गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लोग हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 105 जो कि क्लास 9th के है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 29 मार्च 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शालिनी एक मैथमेटिक्स टीचर है जो कि कुछ कलर क्ले लाई क्लासरूम में एक टॉपिक मेजरेशन डिस्कस करने के लिए। उसने एक सिलेंडर जो कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है क्ले से बनाया, और देन उसने उसे मोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया। उसी क्ले को मोल्ड करके एक सिलेंडर को स्पेयर बनाया जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का था। अब आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकाल सकते हैं। सेकेंड है, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ स्पेयर। सर्फेस एरिया हमें स्पेयर का बताना है, तो रेडियस में पता है 6 सेंटीमीटर, हम सर्फेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो करते हैं दोनों का आंसर। तो रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर, हाइट पता है 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर एच, पाई आर के आर का स्क्वायर यानी 6 × 6 और एच, तो 22 × 6 × 6 × 8 करेंगे तो 6336 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 905.14 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में हमें सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है, 4π की वैल्यू r का स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3168 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है एनुअली, जैसे जुलाई के मंथ में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में 1000 ट्रीज जो होते हैं वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में लगाए जाते हैं। अभी एक स्कूल में 200 स्टूडेंट ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा। इंसाइज एंड झील, अब आपको टेबल बतानी है। प्लांट रोज़, मैरीगोल्ड, चमेलियन, लोटस लगाए। प्लांट्स कितने लगाए? रोज़ 32 लगाए, मैरीगोल्ड 28, चमेली 16 एंड लोटस 24। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है प्लांटिंग रोज एंड मैरीगोल्ड, तो यानी इन दोनों की, तो 32 + 28 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60/200, जिसे हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/10। एंड फिर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लांटिंग चमेली, तो जिसमें हमें चमेली ऐड नहीं करना है यानी लोटस भी ले लेना है, तो 32 + 28 + 24, तो इन तीनों को ऐड करेंगे देन 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नॉट प्लांटिंग चमेली आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड 32 + 28 / 200, तो 60/200 यानी 3/10। फिर है प्रोबेबिलिटी नॉट चमेली, तो 32 + 28 + 24 यानी 84/200, 84 × 42, 200 × 100, 42 × 21, 100 × 5, 50, तो 21/50 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से इजी केस स्टडी बेस वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।